किसने हमला किया? मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड ने हमला किया है। क्यों मारा उन्होंने? मेरा एक साल से उनसे रिलेशन था, शादी हुई पड़ी है उनसे मेरी, पर वो शादी नहीं भी नहीं, वो बात बात पे मेरे साथ कभी खुश नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा सिर्फ उन्होंने मेरा यूज किया। पहले भी शादीशुदा है वो? नहीं। आप? वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे? शादी हुई थी? शादी हुई पड़ी थी मेरी। परिवार की रजामंदी से हुई थी शादी? मेरी शादी मई में हुई थी। परिवार की रजामंदी से हुई थी? परिवार की रजामंदी से नहीं, उन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाए, जब मेरी फैमिली को पता लगा तब उन्होंने मेरे से शादी की। तो आज क्यों मारा आपको? उन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार मार चुके हैं, मेरे पे कई बार जानलेवा हमला कर चुके हैं। तो परिवार आपके साथ है अब? मेरी फैमिली तो मेरे साथ है, पर उसकी फैमिली मेरे को मारती पीटती है, मेरे को निकाल देती है। कल मेरे साथ लड़की की हालत अभी भी आप देख सकते हैं, चक्कर आते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की पर किस तरह से हमला कर दिया जा रहा है, इसका पानी पिलाने से कि इसी के पति ने जिसके साथ ये लव बुलाया कि मैं तेरे साथ घर बसाना चाहता हूँ, तू मेरे साथ आके रहा। मैं गई, उन्होंने मुझसे कहा केस वापिस ले, मैंने कहा नहीं मैं केस वापिस नहीं लूंगी, जो होगा अदालत में होगा। उन्होंने इसी बात में मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। क्या मारा कल आपको? चाकू से हमला किया मेरे पे, मेरे को मेरे बाल घसीट के पूरी 10 नंबर गली में कैमरे तक लग रहे हैं। उन्होंने मुझे पूरी गली में घसीट के मारा, लाते मारी मेरे पेट में, मेरे साथ फिजिकल गलत काम करने की कोशिश की। आज हुआ है, कल हुआ आपके? कल रात को 10 बजे के करीब, रात के। कितने लोग थे? मुझे याद नहीं है, उसके यार दोस्त थे, राहुल था जिसे वो अपनी मम्मी बोलता है, वो जिस पड़ोसी है उसके घर के पास जिसे उसने मम्मी बना रखा है, मैं नहीं जानती, उनके नाम पर पता है, राधा, उसके यार दोस्त ऋतिक, उसकी फैमिली, वो उसी अपनी फैमिली छोड़ के उनकी फैमिली में ज्यादा ही रहता है। अभी तो आपके पेरेंट्स कहाँ? आपके पेरेंट्स नहीं है? मेरी मम्मा तो नहीं है, मेरा ब्रदर जरूर है मेरे साथ। आपको रात को किसके यहाँ पे छोड़ा है लोगों ने? मैं अपने रात को मैं चौंकी गई थी 11 बजे करीब इंचार्ज मैडम के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने, ऐसी हालत में गई थी, तो मैडम ने बोला कि आपकी हालत